गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण क्लास सिक्स, चैप्टर नंबर वन, भाषा, लिपि और व्याकरण। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाषा क्या होती है। तो बच्चों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और हम अपनी बातों को दूसरों को समझाते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं। सभी की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। जैसे देखिए, चिड़िया चिड़िया की भाषा होती है, चिड़िया बोलती है ची ची। जैसे बंदर की भाषा होती है, गधे की भाषा होती है, गाय की भाषा होती है। इसी प्रकार जितने भी सभी जीव जंतु हैं, सभी की अपनी अपनी खुद की भाषाएं होती हैं। तो भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन भाषा कहलाता है। बच्चों, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा सबसे पहले लिखित भाषा होती है, जिसको हम लिखकर, यानी कि अपने हम विचारों को, अपने भावों को जब लिखकर प्रकट करते हैं, यानी कि लिखित रूप में जो होते हैं उनको लिखित भाषा कहा जाता है। और जिनको हम बोलकर प्रकट करते हैं या सुनकर, वो होती है हमारी मौखिक भाषा, यानी कि जो मुख से निकली हुई होती है। उसके बाद आते हैं हमारे भाषा के कौशल। भाषा के चार कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिनके द्वारा हम भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है बोली। बोली क्या होता है? किसी भी स्थानीय क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के स्थानीय क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। इसका प्रयोग केवल बोलचाल में ही किया जाता है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग बोलियाँ होती हैं, ये एक सीमित क्षेत्र में होते हैं। लेकिन जब किसी बोली में साहित्य रचा जाने लगता है, तब वह उपभाषा बन जाती है। तो ये हमारी होती है बोली, यानी कि भाषा के स्थानीय क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। उसके बाद है बच्चों लिपि। लिपि होता है भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं, यानी कि जब हम भाषा को लिखते हैं तो जिस रूप में हम लिखते हैं उसको लिपि कहते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा की रोमन लिपि होती है, संस्कृत की देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, तमिल तमिल, उर्दू फारसी, कन्नड़ कन्नड़। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यानी कि भाषा के जिस रूप से हमें पता चलता है कि यह वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है, यानी कि उसके शुद्ध करने के रूप को हम व्याकरण